हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर द्रव स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत मीन्स हाइड्रोस्टैटिक एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल की पार्ट थ्री वीडियो में पार्ट टू से आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पार्ट टू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पार्ट वन में इस चैप्टर से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरोमीटर को पहाड़ से खान यानी खदानों में ले जाने पर पारी का तल क्या होगा, पारी का तल क्या होगा, गिरेगा उतना ही रहेगा, ऊपर उठेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये इसके पहले से ही जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, दाब क्या होता है, ऊंचाई बढ़ेगा तो पी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ता है तो दाब क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर यच ऊंचाई पर पहले से स्थित है, अब कहाँ जा रहा है, ये गहराई में जा रहा है। ठीक है, यच क्या हो रहा है, कम है। ठीक है, तो दाब क्या होगा, यहाँ पर बढ़ना चाहिए, और दाब बढ़ेगा तो पारी का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा। पारी का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पारा का तल जो है ऊपर उठेगा। बैरोमीटर में पारी का तल क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपसे कहे ऊंचाई पर जा रहा है तो दाब घटता है, और गहराई में जा रहा है तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और ठीक इसका उल्टा आपका पारी का तल होगा, दाब बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगा और ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 दे रहा है, यदि दो धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान हो, क्या हो, समान हो, द्रव की उछाल क्या हो, समान हो, तो उनका घनत्व समान होगा, या उनके द्रव में डूबे आयतन समान होंगे, उनका द्रव्यमान समान होगा, या दोनों के आयतन समान होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब उछाल समान है यानी उत्प्लावन बल समान है तो क्या होगा, उनके द्रव में डूबे आयतन समान होंगे। उछाल यानी उत्प्लावन बल समान है तो द्रव में डूबे हुए आयतन क्या होंगे, समान होंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 17 भी आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 क्या दे रहा है, तो प्रश्न संख्या 18 दे रहा है, एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा, क्या है, एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, क्या होता है, ऊपर चढ़ने पर क्या होता है, यानी ऊपर उड़कर जाता है तो क्या हो जाता है, फैलता है, यानी उसका आयतन बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है, या क्या होता है, और ऊपर जाता है तो क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर फट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं ऊंचाई पर कोई भी वस्तु जाता है तो वहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है। जब ऊंचाई पर बढ़ने पर दाब कम हो जाता है तो जो भी यहाँ पर आपको बैलून दिया हुआ है उस पर वायुमंडलीय दाब काम करेगा, वायुमंडलीय दाब आपका सामान्य अवस्था से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे दाब आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर का दाब तो आपका उतना ही है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण बैलून क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए फैलेगा, जितना ऊंचाई पर जाएगा उतना ही वह बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो बैलून जिस रबड़ का बना हुआ है उसकी क्षमता है फैलने की, क्षमता से ज़्यादा फैलेगा तो क्या हो जाएगा, बैलून फट जाएगा। तो फटने का मेन कारण क्या है, वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर दाब क्या होता है, कम होता है, गैसों का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर जाने पर गैसों का दाब कम होगा, जिसके कारण बैलून के अंदर वाला बल अधिक लगने के कारण एक अवस्था ऐसी आएगी फैलकर फट जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, गैसों के दाब का कम होना। ठीक है, ऊंचाई पर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है, तो इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय गैसों का दाब कम हो जाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, गैसों का दाब कम हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है,
एक भारहीन गुब्बारा में 250 ग्राम जल भरा है, जल में इसका भार होगा, जल में भार इसका क्या होगा? तो एक भारहीन गुब्बारा है, ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, 250 ग्राम जिसका जल भरा हुआ है और इसका जल में भार यानी इसको जल में डुबाया जा रहा है। तो एक गुब्बारा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो गुब्बारे में भी जल भरा हुआ है और इसका भार कहाँ, जल का भार कहाँ की ओर काम करेगा, जो गुब्बारे में भरा हुआ है नीचे की ओर, W, और W बराबर क्या हो जाएगा, 0.250 g, और ठीक इसके ऊपर की ओर एक बल लगेगा, उच्छेप बल, ठीक है, उच्छेप बल कौन लगाएगा, जल लगाएगा, जल उच्छेप बल ऊपर की ओर लगाएगा और कितना लगाएगा, तो इसका उच्छेप बल जो होगा इसके ऊपर भी जी काम करेगा और कितना काम करेगा, 0.25, ठीक है, 0.250। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, द्रव, और अपने आयतन के बराबर ही हटाएगा ये, तो 0.25 g आएगा, दोनों का अंतर, दोनों बराबर है तो दोनों का अंतर क्या आएगा, शून्य, यफ और डब्लू का अंतर क्या आ जाएगा, शून्य। तो क्या कह रहा है आपका आंसर, आंसर सी हो जाएगा, दोनों का अंतर शून्य हो गया, यानी जल में इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 आपका दे रहा है, किसी द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु है, अपने भार से हल्की प्रतीत हो रही है, ठीक है, अपने भार से हल्की प्रतीत हो रही है, इसका कारण है, क्या कारण है, अपने भार से हल्की प्रतीत हो रही तो उसका कारण क्या होगा, द्रव में डूबा है तो उस पर हमेशा उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल के कारण वस्तु हमेशा अपनी भार से हल्की प्रतीत होती है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भार में जो कमी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी कमी। तो हल्की प्रतीत हो रही उसका कारण क्या होता है, हमेशा उत्प्लावन बल, ठीक है, तो उत्प्लावन बल इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको उत्प्लावन बल की परिभाषा से आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, उत्प्लावन बल, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, 10 किग्रा, क्या है, 10 किग्रा भार के सोने तथा चांदी से एक सम्राट का ताज बना हुआ है, सोना और चांदी मिलाकर सम्राट यानी राजा का एक ताज मुकुट बनाया गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पानी में डुबाए जाने पर, क्या कर रहा है, जब इसको पानी में डुबाया जाता है तो डुबाए जाने पर इसका भार 600 ग्राम कम हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका भार 600 ग्राम कम हो जाता है। आगे, आभूषण में सोने का भार है, आभूषण में सोने का क्या भार है बताना है, मान लीजिए सोने का अपेक्षित घनत्व 20 है तथा चांदी का अपेक्षित घनत्व 10 है, सोने का भी दिया है चांदी का भी अपेक्षित घनत्व दोनों दिया है, 10 किग्रा भार के सोने तथा चांदी से बना हुआ है और जब जल में डुबाया जाता है तो 600 ग्राम कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोने के आयतन को मान लेते हैं, ठीक है, आभूषण में सोने का आयतन जो है मान लेते हैं, वो क्या है, वी है, क्या है, वी, वी जी बराबर क्या है, वी है, और हटाए गए पानी का भार कितना दिया हुआ है, आभासी भार कितना दिया हुआ है, 600 ग्राम, तो जल का घनत्व तो एक होता है तो आयतन कितना हो जाएगा, 600 सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, आयतन हो गया, हटाए गए पानी का आयतन हो गया। अब चांदी का आयतन तब कितना हो जाएगा, चांदी का आयतन भाई 600 ग्राम पानी हटा रहा है, 600 ग्राम पानी हटा रहा है, ठीक है, तो आयतन इसका 600 हो गया, 600 हो गया तो आभूषण में चांदी का आयतन कितना हो जाएगा, 600 माइनस वी, आपने टोटल आपने आयतन कितना दिया, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 600 ग्राम, तो चांदी का कितना हो जाएगा आयतन, 600 माइनस वी हो जाएगा, 600 तो टोटल है तो 600 माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, तो 600 माइनस वी ये क्या हो गया आपका, चांदी का आयतन हो गया, वी ऑफ ए जी हो गया। आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग निकाल लेते हैं संपूर्ण द्रव्यमान, तो संपूर्ण द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है, m बराबर 10,000 10 kg दिया हुआ है,
और ग्राम में बदलेंगे तो 10,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ के द्रव्यमानों को बराबर दिखा दें, तो कुल द्रव्यमान आपका दिया है 10,000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम, और आपका सोने का आयतन दिया हुआ है अपेक्षिक घनत्व तो दिया है 20, और आयतन से गुणा कर दें तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा, तो 20 गुणे में 20 हो गया। इसी तरीके से चांदी का अपेक्षिक घनत्व तो दिया हुआ है 10, 10, और गुणे में आयतन से गुणा कर दे तो 600 माइनस 20, 600 माइनस V। अब इसको सॉल्व कर दे तो V का मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20V+6,000 - 10V = 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10V आ जाएगा बराबर 10,000 - 6,000, पश्चांतर होने पर माइनस में चला जाएगा, घटा देंगे 4,000 आ जाएगा। ठीक है, 4,000 आ गया, तो वी को 10 से भाग दे देते हैं तिरेक गुणा करके, वी बराबर 4,000/10 = 400, बराबर क्या आ गया, 400 सेमी क्यूब। ठीक है, ये आयतन है तो सेमी क्यूब में आएगा 400 सेमी क्यूब। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भार, तो भार के लिए आप अपेक्षिक घनत्व से गुणा कर देंगे, तो m बराबर आयतन तो 20 हो, आपका अपेक्षिक घनत्व तो 20 दिया है, गुणे में 400 गुणा कर दिए तो 4 2 8 और 3 0 तो 8,000 हो गया, 8,000 यानी कि ग्राम यानी कि 8 kg आ गया, कितना आ गया, 8 kg, ये इसका आंसर हो गया। तो यम बराबर आपसे पूछा था कितना आ गया, 8 kg। ठीक है, तो 8 kg इसका आंसर कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 8 kg। आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट है, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में दोनों तरफ के हम द्रव्यमानों को जोड़ दिए, चांदी का द्रव्यमान प्लस सोने का द्रव्यमान बराबर कुल द्रव्यमान, और जिसको हमने आयतन के माध्यम से निकाला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही है, एक बार आप लोग इसको देखना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके आते हैं, इसको अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 22वां आपका दे रहा है, यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, बल को दोगुना कर रहा है, क्षेत्रफल को आधा कर रहा है, तो दाब प्रारंभिक दाब का कितने गुना हो जाएगा, प्रारंभिक दाब का कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक 2014 में आपसे पूछा हुआ है, एग्जाम्स में आपके पूछा हुआ है, और इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी ऊपर एक बार कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करना है, तो अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23 आपको दे रहा है, स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर, क्या कर रहा है, स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, ठीक है, फैल क्या होगा, सभी दिशाओं में क्वेश्चन मार्क है, रिक्त स्थान है, क्या होगा बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी, विपरीत होगा, असमान होगा, समान होगा या लंबवत होगा। तो आपने पास्कल के नियम में देखा था, सभी दिशाओं में दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, सभी दिशाओं में दाब क्या होता है, समान होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में दाब समान होगा। पास्कल के नियम में आपने, और लिफ्ट के लिए आपने इस तरीके के क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को देखा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल परिभाषा पर आपका टिका हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको डिफिनीशन लर्न रखना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉरिशेली के वायु दाब मापी में पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि पारे के स्थान पर 984 प्रति
किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाली शराब का प्रयोग किया जाए, यानी पारा नहीं प्रयोग करना है। अब क्या प्रयोग करना है यहाँ पर, 984 किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला शराब एल्कोहल प्रयोग करना है। तो वायुमंडलीय दाब के लिए शराब स्तंभ की ऊंचाई होगी, शराब स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एच डी जी होता है, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आपका एच डी जी होता है, ठीक है। तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा P अपॉन, यहाँ पर हम रो ले लेंगे जी, D की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, रो, घनत्व को हम लोग यहाँ पर रो दे देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या दे रहा है, वायु दाब मापी में दिया था, तो वायु दाब मापी में वायु का दाब दिया हुआ है, कितना होता है पारे के वायु दाब मापी कितना होता है, तो H निकालना है, तो H को छोड़ के बाकी सबको रख देते हैं, दाब दिया हुआ है 1.013 × 10^5, ये पारे के वायु दाब मापी हो गया, बटे में रो, और घनत्व तो यहाँ पर दिया 984, ठीक है। उसके बाद जी गुरुत्वीकरण, गुरुत्वीकरण नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर 9.8 लिख सकते हैं, 9.8 होता है, 9.8 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल कर देंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, भाग दे, गुणा करके भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, ठीक है। तो 10.5 मीटर इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर राइट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, 10.5, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है 10.5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। संख्या 25 दे रहा है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ठीक है। आर्द्रता बढ़ेगी वायु की तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा, ऑप्शन बी, आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, यानी घटेगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जल में क्या कह रहा है, जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है, कितने दाब की वृद्धि होती है ये बताना है, ठीक है। जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है ये बताना है। तो आपको ये ऑप्शन याद रहना चाहिए, इसके पहले भी आपको बताया गया है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो कितनी वृद्धि होती है, एक वायुमंडलीय दाब की, कितनी वृद्धि होती है, एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक वायुमंडलीय। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, वायुमंडल में 10 मीटर नीचे जाने पर क्या करना है, जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर, जब भी जल में आप 10 मीटर नीचे जाएंगे तो दाब में एक वायुमंडल की वृद्धि होगी, यानी 20 मीटर नीचे जाने पर दो वायुमंडल की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप 10 के गुणक में याद रखेंगे, 10 के लिए एक, 20 के लिए दो, इस तरीके से इसका आंसर आएगा, बिना सॉल्व के आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, 27 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 27 दे रहा है, बर्फ का आपेक्षिक घनत्व क्या है, बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.9 है, कितना है 0.9। जल में तैरते समय एक बर्फ का शिला यानी बर्फ का टुकड़ा का जो भाग जल में डूबा रहेगा वह रहेगा, डूबे हुए भाग का आयतन आपको बताना है, ठीक है, डूबे हुए भाग का आयतन आपको पूछ रहा है, तो डूबा हुआ भाग कितना रहेगा ये बताना है। तो सूत्र क्या होता है, डूबे हुए भाग का आयतन बटे में कुल आयतन, डूबे हुए भाग का आयतन बटे में कुल आयतन बराबर जल का घनत्व बटे में, सॉरी वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व।
डूबी हुई भाग का आयतन क्या होगा? डूबी हुई भाग के आयतन को हम लोग मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। डूबी हुई भाग का आयतन क्या है? यक्स है। और कुल आयतन क्या है? वी है। जल का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व क्या होता है? अपेक्षित घनत्व। और अपेक्षित घनत्व पहले से ही दिया है 0.9, ठीक है। यानी इसका फार्मूला क्या हो गया? डूबी हुई भाग का आयतन बटे कुल आयतन बराबर अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व आपको दिया है, डूबा हुआ भाग से आपसे तुलना करने के लिए कह रहा है, तो निकाल लेते हैं, तुलना कर देते हैं, तो क्या जाएगा? गुणा कर देते हैं तो यक्स बराबर क्या जाएगा? यक्स बराबर 0.9 गुणे में वी, दशमलव हटाने के लिए, क्योंकि आंसर आपका दशमलव में नहीं दिया हुआ है, उससे कितनी गुना है ये पूछ रहा है, तो 0.9 में दशमलव हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा वी। तो यक्स बराबर 9/10 वी आपसे आंसर आ गया, ठीक है। तो कुल भाग का कितना डूबा हुआ है आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 9/10 भाग, 9/10 भाग। तो कौन सा आंसर 9/10 भाग आया है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 9/10 भाग, ठीक है। 9/10 भाग इसका आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 आपका क्या दिया हुआ है? 28 दे रहा है बर्फ तथा समुद्री जल के घनत्व, बर्फ तथा समुद्री जल के घनत्व क्रमशः 0.92 तथा 1.02 है। एक घनाकार बर्फ के ब्लॉक जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, कितनी है? 30 मीटर है, को तैराने के लिए जल की कितनी गहराई की आवश्यकता होगी? जल की कितनी गहराई की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बर्फ के टुकड़े का क्षेत्रफल हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बर्फ के टुकड़े का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं ए है, ठीक है। ऊंचाई यल है और घनत्व तो क्या है? डी है। तो उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा? उत्प्लावन बल आपका आ जाएगा बराबर ए रो जी ब्रैकेट में H2 - H1, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा, और उत्प्लावन बल के लिए मेरा आंसर लिख लेंगे यहाँ पर ALDG, ए क्षेत्रफल अभी हमने ऊपर माना है, L आपने लंबाई माना हुआ है, ठीक है, ऊंचाई, D आपका घनत्व और G आपका गुरुत्व त्वरण बराबर A रो जी H2 - H1, ठीक है। तो H2 - H1 हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यल और डी। यल का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो यल की जगह हम लोग 30 लिख लेंगे, तीस गुणे में डी, डी भी आपको दिया हुआ है 0.92 बराबर रो, रो आपको दिया हुआ है 1.026 और H2 - H1 निकालना है, तो H2 - H1 लिख लेंगे, ठीक है। तक अब तिर्यक गुणा करके H2 - H1 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? H2 - H1 बराबर हो जाएगा आपका तिर्यक गुणा में 30 गुणे में 0.92 बटे में 1.026, ठीक है। अब हम लोग इसको सरल करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 26.9, क्या आ जाएगा? 26.9 मीटर। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आया आपका, तो आंसर आपका आया है 26.9 मीटर, ऑप्शन बी आया है। कौन सा आंसर आया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 26.9 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 आपको क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 29 आपका दे रहा है धातु के एक खोखले आभूषण का भार
288.5 किग्रा है, कितना है 288.5 किग्रा है, ठीक है। तथा वह 0.3 मीटर क्यूब आयतन पानी हटाता है, कितना आयतन हटाता है 0.3। यदि धातु का अपेक्षित घनत्व 10.5 हो, कितना हो 10.5, तथा पानी का घनत्व 1×10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो, तो खोखली जगह का आयतन होगा, कितना होगा खोखली जगह का आयतन, वो भी किसने आयतन बताना है मीटर में, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यम बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो यम बराबर आयतन वी इंटू घनत्व डी। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान आपको दे रहा है 288.5 किग्रा, कितना दे रहा है 288.5, तो 288.5 हो गया किग्रा में। और आयतन कितना दिया हुआ है नहीं मालूम है, ये तो पूछ रहा है तो वी लिख देते हैं। घनत्व 10.5 दिया है और गुणे 10³, इसको तिरक गुणा करके सरल कर देते हैं, तो वी बराबर क्या जाएगा, वी बराबर आपका जाएगा 288.5 बटे में 10.5 गुणे 10³, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो 10³ आपका ऊपर चला जाएगा और 288.5 को भाग दे देंगे, तो भाग देते ही आपका आंसर आ जाएगा, और दशमलव भी हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं 10³, तो आ जाएगा 0.0275 मीटर क्यूब, ये आपका हो गया आयतन, ठीक है। आयतन ठोस का आयतन आया, लेकिन हमसे पूछा क्या है खोखले ठोस का आयतन, तो खोखले ठोस के लिए हम लोग को पहले से दिया हुआ है संपूर्ण आयतन दिया हुआ है, तो संपूर्ण में से घटा देंगे, तो खोखले ठोस का आयतन वी डैश बराबर हो जाएगा 0.03 माइनस 0.0275, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2.5 गुड़े 10³-3 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 2.5 गुड़े 10³-3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 13 आपका दिया हुआ है, यदि एक स्थान पर वायुमंडलीय दाब पारी के 80 सेमी स्तंभ के बराबर है, कितने सेंटीमीटर के बराबर है 80 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब होगा, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा ये बताना है। 80 सेमी को हमें क्या करना है, वायुमंडलीय दाब को पास्कल में दाब के रूप में बदलना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू HDG होता है, ठीक है। यश क्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो 80×10⁻²⁺ लिख लेंगे, ठीक है। मीटर में पास्कल में हमेशा क्या करना है मीटर में रखना है, तो 80×10⁻²⁺ लिखें, ठीक। पारी का घनत्व तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13.6 होता है, तो 13.6×10³ होता है, तो × 10³। जी का मान 9.8, ठीक है, जी का मान 9.8। अब 80 में 13.6 का हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1088.0 गुणे क्या है 9.8 बचा हुआ है 10⁻², और +3 कितना हो जाएगा 10⁻¹, यानी कि 10 मिला, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, 1088 में हम लोग क्या करेंगे 9.8 का गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10662.4 और गुणे में 10। अब दशमलव को क्या करते हैं हम लोग एक और जीरो के बीच तक ले जाते हैं, यानी 4 अंक तक खिसकाते हैं, तो 10³ क्या हो जाएगा +4 और 1 10 बचा हुआ है, तो कुल कितना हो जाएगा 1.066 गुणे 10⁵5, 1.066×10⁵5, ठीक है। और ये मात्रक आपका किस में आएगा पास्कल में आएगा, ठीक है,
एमकेएस पद्धति में पास्कल होता है, सारे मात्रक यहाँ पास्कल में दिए हुए हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही है, 1.06 गुणे 10^5, 6 6 है तो एक ही अंक तक, दो ही अंक तक यहाँ लिखा हुआ दशमलव के बाद, तो आंसर आपका बी राइट आंसर हो गया, 1.06 गुणे 10^5 पास्कल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अगली क्लास में फिर से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, नए इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।